अरे बटर तो है ही नहीं, एक काम करती हूँ रचित को भेजती हूँ। रचित, रचित उठ जा। रचित क्या हुआ? बेटा जाके नीचे से ना बटर ले आ दुकान से, मेरे को पराठे बनाने हैं। क्या यार मम्मी, सोने दो ना, सुबह सुबह चाय पकड़ानी चाहिए और आप यहाँ पे काम पकड़ा रहे हो। तू जाके ना नीचे से बटर ले आ, मेरे को पराठे बनाने हैं, खड़ा हो जा फटाफट से। अच्छा ठीक है, ला रहा हूँ। हे भगवान, यार ये मेरे घर वाले कभी चैन से सोने नहीं देंगे, अब इनका मक्खन लेके आओ। भैया बटर दे दो। भैया बटर तो नहीं है। नहीं है बटर? लेकिन क्यों नहीं है? अरे भैया बटर की तो पूरे एरिया में शॉर्टेज चल रही है ना। अरे भैया ऐसा क्या हो गया कि बटर की शॉर्टेज आ गई, सप्लाई चेन रुक गई क्या? अरे भैया आपको तो पता ही है ना, जन्माष्टमी आने वाली है तो लोगों ने पहले ही सारा मक्खन बटोरना शुरू कर दिया। लेकिन भैया सोसाइटी वाले इतना सारा मक्खन लेके क्या करेंगे? अरे भैया अकेले कहाँ, इतनी सोसाइटीज हैं, इतने सेक्टर हैं, हर सोसाइटी में हर सेक्टर में अलग अलग हांडियाँ फूटती हैं। अब हमारे यहाँ हांडी नहीं फूटती वो अलग बात है, और जिस सोसाइटी में मटकी फूटती है वहाँ के लोग सारा मक्खन लेके चले गए। अच्छा चलो ठीक है भैया। मम्मी मम्मी मक्खन तो खत्म हो रखा है, आप एक काम करो पराठे डालडा में बना लो। वाह वाह क्या बात है, बना दे बेटा डालडा में पराठे बना दे। मैं डालडा खा रही होती ना तो मेरे बाल सारे झड़ जाते और मैं कटप्पा बन गई होती। मक्खन खा रही हूँ तो जिंदा हूँ और तंदुरुस्त भी हूँ। और तेरे को मक्खन क्यों नहीं मिला, मक्खन की क्या हड़ताल चल रही है? अरे मम्मी दही हांडी की वजह से पूरे एरिया में मक्खन की शॉर्टेज हो रखी है, जितना भी मक्खन था ना सारे लोग खरीद कर ले गए। दही हांडी? अरे हाँ जन्माष्टमी भी तो आने वाली है। वैसे मम्मी जी हमारी सोसाइटी में अभी तक जन्माष्टमी नहीं मनी ना। नहीं मनती तो मम्मी और दादी इस बार हम मिल के मनाते है ना फिर। क्या जन्माष्टमी भाई, वैसे तूने हर त्योहार की वीडियो बनाई है पर कभी जन्माष्टमी की नहीं बनाई, तो इस बार हम जन्माष्टमी की वीडियो बनाते है ना। हाँ चीनू सही कह रही है तू, इस बार हम जन्माष्टमी की वीडियो बनाते हैं। और गाइज अगर जन्माष्टमी की वीडियो आप लोगों को पसंद आई ना और आपने अच्छा रिस्पांस दिया तो फिर हम हर साल डबल धूम धड़ाके के साथ जन्माष्टमी की वीडियो बनाया करेंगे। तो बच्चों जब हमने जन्माष्टमी मनानी ही है तो एक काम करते हैं, पहले हम सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि कब क्या और कैसे करना है। हाँ मम्मी जी। लेकिन दादी उसके लिए तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि बाकी सोसाइटी वाले जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कैसे करते हैं, फिर हम लोग भी वैसे ही करेंगे अपनी सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा करके। हाँ भाई वो तो सबसे पहले ना चंदा इकट्ठा करते हैं। और हाँ दही हांडी भी तो लगाते हैं और डेकोरेशन भी करते हैं, लोगों की कुछ ड्रेस भी तो होती होगी, और भाई फिर डांस भी तो होता है, हांडी फोड़ने वाले को इनाम राशि भी तो मिलती है। देखो भाई इतना बड़ा प्रोग्राम है जन्माष्टमी का, दही हांडी से लेकर डेकोरेशन डांस प्रसाद आदि लेकर के बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, अकेले तो हम इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तो भाई ऐसा फेस्टिवल तो पूरी सोसाइटी मिलकर ही मनाती है, तो हम लोगों को भी ना अपनी सोसाइटी वालों से चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ दादी बात तो आपकी सही है, लेकिन ये होगा कैसे? अरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल काम है, वो भी अपनी सोसाइटी के। राम राम राम। अब बेटा इतना सोचा है तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। हाँ दादी कुछ तो दिमाग लड़ाना ही पड़ेगा। सोसाइटी वालों आप सबको स्पेशली इसलिए बुलाकर हमने इकट्ठा किया है कि इस बार हम सब मिलकर जन्माष्टमी का त्योहार मनाने जा रहे हैं, और तुम सबको देना पड़ेगा चंदा है? अब देखो इतना टाइम हमारे पास था नहीं कि हम घर घर जाके तुमसे चंदा इकट्ठा करें, तो अब तुम सब यहीं पे पैसे डाल के जाओ। अरे ऐसे कोई होता है, घर बुला के चंदा मांगते हैं क्या? हाँ सही बात है, गलती कर दी यहाँ आके। चलो चलो चलते हैं चलो। अरे रुको रुको कहाँ चलते हैं, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। ये क्या तरीका हुआ? तुम सबके जूते चप्पल अब मेरे कब्जे में है, और जब तक तुम लोग डोनेशन नहीं दोगे जन्माष्टमी के लिए तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते। अरे बेटा अगर ये सोसाइटी वाले बिना चंदा दिए चले गए तो? अरे दादी अब पता नहीं क्या होगा, मैंने आपको बोला था ना इन लोगों को इन्फ्लुएंस करना कोई आसान काम नहीं है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या, कान्हा जी के नाम पर 100 200 500 रुपया नहीं निकाल सकते?
वैसे तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में हजार हजार दो 2000 रुपए शॉपिंग पे फूक के आ जाते हो तुम लोग, और धर्म कर्म के नाम पे तुमसे पैसे नहीं निकल रहे। अरे हमें तो बस देखने में मजा आता है, और वो भी फ्री में। जरूरी है हम जन्माष्टमी में अपने पैसे खर्च करें? बिल्कुल। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना चप्पल के घर कैसे जाएंगे? मेरी चप्पल तो 300 रुपए की थी और मेरे जूते 2000 के थे। अरे मेरे तो जूते भी ब्रांडेड थे, महंगे वाले। अबे यार मुझे तो मेरी बंदी ने जूते दिलाए थे। मेरी चप्पल तो 1500 रुपए की थी। और भाई मेरा क्या है, मैं तो मंदिर चुरा के लाया था चप्पल, छोड़ दूंगा दोबारा चुरा दूंगा मंदिर से। जिस जिसको भी अपने जूते चप्पल प्यारे है ना, वो दान पेटी में दान डालते जाओ और अपने जूते चप्पल लेते जाओ। अरे ये तो बहुत नाइंसाफी है, यहाँ आकर गलती कर दी हमने। अरे कोई नाइंसाफी नहीं है, भगवान से तुम सब कुछ मांग तो लेते हो, लेकिन जब भगवान के नाम पे 100-200 रुपए निकालने की बारी आए तो तुम्हारी जान निकलती है। अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे। फंस गए अब तो, फंस गए, चलो फंस गए अब, चलो फिर चलो। अरे पप्पू बेटा, तुमने पहली बार जिंदगी में अपना दिमाग सही जगह खर्च करके अच्छा काम किया, आखिरकार तुमने अपना दिमाग लगा ही लिया। दादी दिमाग तो बहुत है और मौका नहीं देते खर्च करने का। अरे दादी पप्पू मामा ऐसे ही पदोड़े थोड़ी हैं, कुछ तो टैलेंट होगा उनमें। चलो कान्हा जी, अब डोनेशन भी हो जाएगी और बढ़िया जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो जाएगी। आपने तो मेरे जूते ऐसे ही रखिए, मैं तो वैसे ही दे देता। दो ना, जाओ। ठीक बात है अंकल जी। अरे आंटी इसमें भी क्या कंजूसी, भगवान के नाम का है। स्वीट अंकल। आंटी गुस्सा क्यों कर रहे हो? चोरी की चप्पल थी, रख लो। चल चोर गई का। शाबाश, डोनेशन का जुगाड़ हो गया मामा। अरे नहीं 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 नहीं, भगवान के नाम का है। अरे 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 नहीं मामा, नहीं नहीं, अरे नहीं मामा, नहीं नहीं नहीं। वाह, हम अपनी सोसाइटी में पहली बार जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई है कि लगता है जैसे हम कई सालों से सेलिब्रेशन कर रहे हैं इसका। सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है आज है जन्माष्टमी और हमने अपनी सोसाइटी में पहली बार जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बनाया। और वहाँ देखो गाइस, वो टंगी हुई है दही हांडी और इसको ना फोड़ना है, और मुझे लगता है इसको बस मैं ही फोड़ सकती हूँ। आपको क्या लगता है गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो बच्चों, 12 बजने वाले हैं, दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम फोड़ने जा रहे हैं दही हांडी और देखते हैं इतने सारे लोगों के बीच दही हांडी को कौन फोड़ता है। दादी मैं चढ़ता हूँ मटकी फोड़ने, वैसे भी सबसे ज्यादा डोनेशन मैंने किया है तो मेरा हक भी बनता है पहला मटकी फोड़ने का। एक बारी में ऐसी मटकी फोड़ूंगा इन सबका तो नंबर ही नहीं आने दूंगा। कोई ना कोई ना, जा पहले तू ही कोशिश करके देख ले। मामो। अबे दूधिए के भाई, ये दही हांडी का कंपटीशन है, दूध बेचने का नहीं। तू जाके अपने भाई की तरह दूध बेच। अबे पप्पू मामा तुम ज्यादा मत बोलो, जब तुम्हारा नंबर आएगा ना जब देखूंगा तुम कितने बड़े 30 मार खाओ। तो मैं यूं चुटकियों में मटकी फोड़ दूंगा, यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे कॉम्पिटिशन में, समझ गया? एक सेकंड में दही हांडी फोड़ दूंगा, अभी देख लेंगे टाइम आने पर। आहा, देख लेते हैं। तो गाइस पहली मटकी फोड़ने गया है लोकेश दूधिया का भाई डोगेश, तो देखते हैं ये मटकी फोड़ पाएगा या फिर हार जाएगा। Yeah.
अबे लोकेश के भाई डोगेश, तू जाके दूध बेच, तेरे बस की नहीं है ये दही हंडी तोड़नी। चल जा अब यहाँ से। अरे दादी दादी सुनो, अब मैं जा रहा हूँ हांडी फोड़ने, और जाके हांडी फोड़ के दही निकाल के लाता हूँ आपके लिए, ठीक है? तो गाइस दूधी लोकेश का भाई डोगेश हार चुका है और अब है पप्पू मामा की बारी। ठीक है बेटा जा, तू भी कोशिश करके देख ले। अभी आता हूँ। हाँ भाई पहलवानों खड़े कैसे हो, चलो घोड़ी बनो। अरे झुक भी जा, शकल क्या देख रहा है, इधर थोड़ा इतर, हाँ भाई मामे क्या हो गया, एक झटके में मटकी फोड़ रहा था, खुद ही फूट गया। ओ मोटे गेंडे पैसे मामे, शर्म ना आती, आ गया बच्चों को दबाने, चल कमर तोड़ दी। तो गाइस देखा आपने, जितनी फुर्ती में पप्पू मामा ऊपर चढ़े थे ना, उतनी ही तेजी से नीचे गिर गए। तो बच्चों अब दही हांडी फोड़ने मैं जाऊंगी। अरे मम्मी जी अब ये क्या बचपन है, इस उम्र में आप दही हांडी तोड़ोगे क्या? ऐसा कहां लिखा है कि मैं मटकी नहीं फोड़ सकती हूँ, क्या पता मेरे हाथों से मटकी फोड़ना लिखा हो, मैं तो जा रही हूँ। तो गाइस डोगेश और पप्पू मामा की मेहनत तो मिट्टी में मिल गई, अब पसीना बहाने गई है हमारी दादी। गई बुढ़िया की कमर। अरे मम्मी जी बोला था ना आपको ये सब करने की आपकी उम्र नहीं है, लगवा लेना कमर में मोच अब। हे भगवान मेरी कमर को क्या हो गया, अच्छी खासी थी मैं अभी तक, हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो गाइस जैसा कि आपने देखा दादी की भी टाइट टाइट फिस हो गई और मटकी फोड़ने से पहले ही उनकी कमर चटक गई। सही कह रही है चीनू, अब मटकी फोड़ने की बारी मतलब मेरी है। नहीं नहीं भाई ये मटकी मैं फोड़ूंगी, और वैसे भी मटकी फोड़ने की नंबर अब मेरा है। अच्छा चल पहले तू ट्राई कर ले, देखूंगा कितनी मटकी फोड़ेगी। तो गाइस अब मैं मटकी फोड़ने जा रही हूँ और देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ नहीं फूटेगी तेरे से, जा मार ले ट्राई। तो गाइस अब मैं मटकी फोड़ने जा रही हूँ। गाइस अब आप ही बताओ मैं ब्लॉग बनाऊं या मटकी फोड़ूं। देखा दादी यहाँ किसी के बस की कुछ नहीं है, सबने ट्राई मार लिया कोई भी मटकी नहीं फोड़ पाया। अब देखना अब मैं जाऊंगा फट से ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ के आऊंगा। हाँ हाँ बेटा अब तू जा, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद बची है। हाँ दादी उम्मीद पे खरा उतरूंगा देखना, जा। तो गाइस मैं तो मटकी फोड़ने वाली थी लेकिन इन सब ने मिलके मेरे को गिरा दिया। अबे सुनो ए ठीक से बनना, गिराना मत मेरे को, किसी के बस की नहीं हुई मटकी फोड़नी लेकिन मैं फोड़ूंगा, चलो बनो। गिरना नहीं चाहिए देख के। हे कान्हा जी ये सब क्या हो रहा है, हम मटकी क्यों नहीं फोड़ पा रहे हैं? कान्हा जी हमें शक्ति दो, फर्स्ट टाइम तो हमने आपके जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन रखा है। कान्हा जी कोई भूल हो गई हो हम लोगों से तो माफ कर दो ना। कान्हा जी अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखो। बहू लगता है हमसे कोई गलती हो गई है, हमने जबरदस्ती सोसाइटी वालों से चंदा इकट्ठा करके जन्माष्टमी मनाई है ना, इसीलिए लगता है कान्हा जी हमसे नाराज हो गए हैं। कान्हा जी हमसे कोई भूल होगी हो तो प्लीज हमें माफ कर दो कान्हा जी प्लीज। अब सारे जने हाथ जोड़कर कान्हा जी से माफी मांगो और विनती करो कि हमारा जन्माष्टमी का प्रोग्राम सफल हो जाए। कान्हा जी माफ कर दो हमसे गलती हो गई। प्लीज कान्हा जी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई कान्हा जी।
तथा अस्तु। अरे ये कौन है? दादी मुझे भी नहीं पता कौन है ये। हाँ बेटा बोलो क्या चाहिए आपको? माता जी मुझे मटकी फोड़ने की आज्ञा दीजिए, मैं भी मटकी फोड़ दूंगा। अरे बेटा बड़े बड़े ये मटकी नहीं फोड़ पाए, तुम कैसे फोड़ पाओगे? और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? माता जी मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं मटकी फोड़ दूंगा। अरे बेटा तुम किसके साथ आए हो? पता नहीं मम्मी जी कौन है ये और किसके साथ आया है, बेटा ऐसे जिद मत करो। माता जी मुझे एक मौका तो दीजिए, फिर आप देखना मैं कैसे ऊपर जाकर मटकी फोड़ता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आया और कब गया। अरे सीखो पप्पू मामा कुछ इस बच्चे से, कितना आत्मविश्वास है इसमें। अबे दोगेश तू भी कुछ सीख ले उससे। अरे किसका बच्चा है ये? अरे बेटा तू सच में ये मटकी फोड़ पाएगा? हाँ बिल्कुल। ऐसी बात है ना तो रुको। रचित बेटा। हाँ मम्मी। इधर आना। हाँ मम्मी बोलो। अरे रचित बेटा इस बच्चे की ना मटकी फोड़ने में हेल्प कर दे। अरे मम्मी मैं तो कर दूंगा, आप बोलोगे तो मैं तो किसी की भी हेल्प कर दूंगा। अरे वाह तुम्हारा ये स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया, सभी बच्चों को अपने माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए, ऐसा मेरी मैया यशोदा कहती है। लेकिन तुम मटकी फोड़ तो लोगे ना, तुम्हें कुछ होगा तो नहीं? अरे मैं तो बचपन से मटकी फोड़ता आ रहा हूँ। बचपन से? अबे तू है ही कितना बड़ा, अबे कर भी लेगा ये तो बच्चा। अरे शांत शांत एक बार उसको कोशिश करके तो देखने दो। चलो फिर तुम आओ मेरे साथ। संभल कर बेटा। हाँ मम्मी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा वैसे तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरे तो कई नाम है, मुझे किसी भी नाम से पुकार लो। मेरे दोस्त मुझे अलग नाम से पुकारते हैं, गोकुलवासी अलग नाम से पुकारते हैं और माता अलग नाम से पुकारती है। अरे वाह क्या बात है। हाँ माता जी मेरे कई नाम है, जिससे चाहे उससे पुकार लो। वाह चलो अब चल के मटकी फोड़ते हैं, ऑल द बेस्ट। चलो बनो मटकी फोड़नी है। तुम कर तो लोगे ना? अरे हाँ हाँ डरो मत। मम्मी जी देखो कितना छोटा बच्चा है। हाँ लेकिन कॉन्फिडेंस देखो कितना है उसमें। अरे वाह क्या बच्चा है, फटाफट एक्सपर्ट की तरह चढ़ गया। अरे ये तो मेरे लिए ही है। जा बेटा चुरा ले माखन, फोड़ दे मटकी बेटा। अरे वो बच्चा कहाँ गया? अरे कहाँ है वो बच्चा? अरे वो बच्चा कहाँ गया? लगता हमारी जन्माष्टमी सफल होगी, कान्हा जी ने खुद दर्शन देकर हमारी मटकी फोड़ दी। जय हो कान्हा जी, जय कृष्ण महाराज की, जय हो जय हो जय हो। हाँ मम्मी जी सही कह रहे हो आप, हमने ना सच्ची श्रद्धा से जन्माष्टमी मनाई थी, इसीलिए कृष्ण भगवान ने आके पूरी सोसाइटी को दर्शन दिए हैं। फिर तो दादी इस मौके पर डांस भी तो बनता है। हाँ हाँ क्यों नहीं अरे तुम लोग करो डांस, मैं तो चला माखन खाने। अरे मैं भी तो लड्डू गोपाल हूँ, मैं बड़ा वाला वो छोटे वाले। माखन मेरा होगा। अरे अरे माखन कहाँ है, हाँ तो एक बूंद भी नहीं है। लगता है सब कान्हा जी खा गए, कुछ तो छोड़ जाते मेरे लिए, सब कुछ खत्म कर दिया। शिट यार माखन भी नहीं मिला।
अरे मामा, आपको क्यों मिलेगा माखन? सारा माखन तो मैं ही खा जाऊंगा। और ये सारे मामा दुष्ट ही होते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जो भविष्य की चिंता किए बिना आज में सच्चे दिल से कर्म करता है, उसे उसका लक्ष्य और लक्ष्य का फल जरूर मिलता है। तथास्तु।